जय हिंद सभी को। आज हम इस वीडियो में यूपी जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्जामिनेशन यानी कि असिस्टेंट टीचर के साइंस सिलेबस को कवर करेंगे। यानी कि हम सिर्फ साइंस सेक्शन के सिलेबस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपको पता होगा इस असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी फ़रवरी 2021 में निकली थी। इसमें साइंस सेक्शन में तीन पार्ट्स हैं, आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आप इसका सिलेबस डाउनलोड करिए, उसके सिलेबस को अपने नोट्स कॉपी के फ्रंट पेज पे लगाइए। इसकी वेबसाइट पे आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। तो उस सिलेबस में अगर आप देखेंगे, बायोलॉजी में बहुत सारे सेक्शन हैं। तो आज हमें जो सेक्शन पढ़ना है वो है प्लांट्स का सेक्शन। प्लांट्स के सेक्शन में आपको पढ़ना है इसका क्लासिफिकेशन यानी कि इसका वर्गीकरण, किस किस के आधार पे इसका वर्गीकरण है। उसके बाद प्लांट्स में रिप्रोडक्शन यानी कि जनन पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण किस तरीके से होता है प्लांट्स में। उसके बाद इसमें पढ़ा जाएगा एडेप्टेशंस यानी कि प्लांट्स अपने आप को किस किस तरीके से एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल लेते हैं। और फिर हमें पढ़ना है यूज़फुल प्लांट्स यानी कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो यूज़फुल हैं हमारे लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। देखिए, प्लांट्स में दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। पहला मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल मेथड यूज़ करते हैं। तो समझते हैं कि ये दोनों मेथड्स हैं क्या। सेक्सुअल मेथड में हमें टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है यानी कि एक मेल और एक फीमेल। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही पूरे रिप्रोडक्शन का मेथड किया जा सकता है। यानी कि इसमें मेल या फीमेल कोई भी एक पार्ट चाहिए, पर इसमें आपको मेल भी चाहिए और फीमेल पार्ट भी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझना होगा। तो यहाँ पे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है। यानी कि फूल की मदद से प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक मेल और एक फीमेल पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे ये प्लांट्स का मेल पार्ट होता है यानी कि एंड्रोईसियम या इसे स्टेमन भी कहते हैं। ये मेल पार्ट है फ्लावर का। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एंथर, फिलामेंट, पॉलन ग्रेन्स। इसको अभी हम देखेंगे डिटेल में जब हम इसके स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे इसको। दूसरी चीज़ है गाइनोईसियम, जिसे कि पिस्टल भी कहते हैं, और ये फीमेल पार्ट होता है। इसे हम कार्पेल भी कहते हैं। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इसमें भी तीन चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है फ्लावर का। क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब है कि अगर आप एक फ्लावर को आधा लेंगे और काट देंगे तो आपको ये इस तरीके से नज़र आएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम मेल पार्ट की बात कर लेते हैं। हिंदी में इसे पुंग केसर कहते हैं। ये मेल पार्ट है यानी कि स्टेमन। अब मैंने आपको कहा कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एंथर, फिलामेंट और पॉलन। तो ये जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को कहते हैं एंथर। ये जो सिर हेड जैसा पोर्शन निकला रहता है फ्लावर में, ये आपको, आप सभी ने एक कॉमन सा फ्लावर देखा होगा, गुड़हल का फूल, उसमें आपको ये नज़र आएगा। इस एंथर के बाद एक लंबी सी
एक लंबी सी पतली सी स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिलामेंट। ये हो गया मेल पार्ट, और इसी मेल पार्ट में यहाँ स्टेमन के ऊपरी हिस्से यानी कि एंथर में आपको मिलेगा पॉलेंस। इन्हें पॉलेंस या पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं फीमेल पार्ट पे। फीमेल पार्ट को पिस्टल या कार्पेल भी कहते हैं। इसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे कहते हैं स्टिग्मा। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये पॉलन ग्रेन्स यहीं पे आके बैठते हैं। स्टिग्मा के बाद एक लंबी सी पतली सी ट्यूब होती है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। और ये स्टाइल ओवरी में जाके मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल पार्ट। ये मेल और फीमेल पार्ट ये आपको समझ आ गया। अब कुछ पार्ट्स और देख लेते हैं, जैसे कि फूल की पत्तियों को बोला जाता है पेटल्स। आपने देखा होगा पेटल्स ऑफ फ्लावर, सुना होगा इंग्लिश में। पेटल्स मतलब पत्तियाँ। तो अगर एक पत्ती है तो उसे पेटल कहते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे पेटल्स हैं यानी कि इस फ्लावर में सभी पेटल्स को मिला के एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं कोरोला, ठीक है। CORROLLA, कोरोला। इसी तरीके से ये सेपल्स होते हैं, ये जो हरा हरा आपको दिखता है इसे हम बोलते हैं सेपल्स। और एक से ज़्यादा सेपल्स हैं यानी कि एक फ्लावर में सारे सेपल्स को मिला दिया जाए तो उसे बोला जाता है कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। इस वाले पोर्शन को, ये जो आपको बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं थैलेमस, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम होता है रिसेप्टिकल। कभी कभी फर्टिलाइजेशन ओवरी में ना होके रिसेप्टिकल यानी कि थैलेमस में भी हो जाता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। इस थैलेमस का काम क्या होता है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अगर आप सभी ने गुलाब की कली देखी होगी। गुलाब की कली में जो बाहरी परत, जब वो फूल नहीं खिला होता तो बाहरी परत उस कली को अपने अंदर ढक लेती है, वो एक्चुअली में उसके नीचे एक थैलेमस होता है, यही वाला पोर्शन। ये थैलेमस क्या करता है, जब फूल एक कली होती है तो उसको फूड प्रोवाइड कराता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो इसीलिए हमने ये सारे पोर्शंस को पढ़ लिया, क्योंकि जब हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें जितने भी इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, कि किस तरीके से ये प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक मेल और एक फीमेल पार्ट का फ्यूजन, यानी कि पहले हम समझते हैं ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है। देखिए ह्यूमन बीइंग्स, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, और उसके बाद जब वो फ्यूज होते हैं तो वो बनाते हैं एक जाइगोट। और जाइगोट जब माँ के गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में डेवलप होता है तो वो बन जाता है एम्ब्रायो। और जब वो एम्ब्रायो 9 मंथ्स के बाद यानी कि ह्यूमन जीस्टेशन पीरियड के बाद बाहर आता है तो हम उसे कहते हैं इन्फेंट यानी कि नवजात शिशु। तो समझिए गैमेट्स एक्चुअली में छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन गैमेट्स की बात करें तो ह्यूमन गैमेट्स में फीमेल गैमेट होता है ओवम और मेल गैमेट होता है स्पर्म, ठीक है। इसी तरीके से फ्लावर्स में मेल गैमेट होगा आपका पॉलेंस, जैसा कि मैंने बताया, और फीमेल गैमेट होता है ओव्यूल। ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं जो ओवरी के अंदर बैठे होते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समझ आ गया आपको, कि जब एक फीमेल गैमेट
यानी कि फ्लावर में ओव्यूल, और एक मेल गैमेट यानी कि फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, और एक जाइगोट यानी कि युग्मक से युग्मनज बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। इस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है पॉलिनेशन से यानी कि परागण से। पॉलिनेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि इस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन में इनिशिएशन स्टेप यानी कि शुरुआती स्टेप पॉलिनेशन होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स, ये देखिए पॉलन ग्रेन्स इस एंथर से, यहाँ पे इस एंथर से इस फिलामेंट में जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि इस एंथर से इस फिलामेंट में जाएंगे, सॉरी इस एंथर से स्टिग्मा में जाएंगे, यहाँ पे ये जाके बैठ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से एक पतली सी ट्यूब जनरेट होगी जिसे कि पॉलन ट्यूब कहते हैं, और ये ट्यूब धीरे 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 होते हुए ओवरी में चली जाती है। यहाँ पे ओवरी में छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन जो कि इस ट्यूब के थ्रू ओवरी में आया, ओवरी में आने के बाद फ्यूज कर जाएगा ओव्यूल से, और उसके बाद ये बना देगा एक जाइगोट। जाइगोट थोड़ा डेवलप होने के बाद बनता है एम्ब्रायो, जिस प्रोसेस को हम एम्ब्रायो जेनेसिस कहते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे बड़ा होता है, और बाद में ये पूरी ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और इसके बीच का ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। यही पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एक बार फिर से समझते हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में गए, वहाँ पे जाके बैठ गए, फिर एक लंबी सी ट्यूब वहाँ से निकल जाती है, बन जाती है, जो स्टाइल के थ्रू होते हुए कहाँ चली जाती है, ओवरी में। वहाँ पे कुछ ओव्यूल्स होते हैं, यहाँ से आया हुआ पॉलन ग्रेन्स उस ओव्यूल से जाके फ्यूज कर जाता है, वो एक बनाता है जाइगोट। जाइगोट यानी कि युग्मनज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी, यानी कि जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सिनगैमी। ये जाइगोट जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। उसके बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि देखिए इसमें एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है, हम इसे पूरे अच्छे से समझ लेते हैं कि जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं ओव्यूल में, ओवरी में, तो सपोज यहाँ पे दो ओव्यूल हैं, एक और बना देते हैं, तीन ओव्यूल हैं, और पॉलन ग्रेन्स आए दो, ठीक है, दो पॉलन ग्रेन्स आए और तीन ओव्यूल हैं। अब एक पॉलन ग्रेन तो इससे फ्यूज हो जाएगा और ये क्या बना देगा, जाइगोट। ये हमने देख लिया, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से बनेगा फ्रूट जिसके अंदर होगा सीड। लेकिन ये जो पॉलन आया, ये बचा हुआ एक पॉलन, ये बचा हुआ एक पॉलन इन दो ओव्यूल के साथ फ्यूज होगा और ये बनाएगा एंडोस्पर्म, ठीक है, ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, ये जो जाइगोट ने एम्ब्रायो बनाया उस एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि ये एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक एंडोस्पर्म भी बनता है। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे दो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे कभी कभी कह देते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक
ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो मैंने आपको कहा कि पॉलिनेशन समझते हैं। पॉलिनेशन क्या है? देखिए, मैंने बताया कि पॉलिनेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। लेकिन ये पॉलिनेशन बहुत तरीके से होते हैं। अगर हम डिवाइड करें इन्हें, तो सबसे पहले हम इन्हें सोर्सेज ऑफ पॉलन्स के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि जो पॉलन इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, वो एक्चुअली में पॉलन्स आए कहाँ से? तो सबसे पहला है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब है कि अगर एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर, सपोज करिए कि ये एक प्लांट है और इसमें एक फ्लावर है, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, तो इसी प्लांट के मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के फीमेल पार्ट में चला गया, तो इसे हम कहेंगे ऑटोगेमी। यानी कि आपने छोटी क्लासेस में जो पढ़ा होगा सेल्फ पॉलिनेशन, आप इसे सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं कि सेम फ्लावर के सेम एंथर से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, इसे हम कहते हैं ऑटोगेमी। ये जनरली उन फ्लावर्स में होता है जो क्लोज्ड होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा खुलते नहीं हैं। अब जब वो खुलेंगे नहीं, तो उनमें पॉलन्स ट्रांसफ़र होंगे नहीं। अब देखिए, इसकी एक ख़राब बात क्या है कि इसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं मिलेंगी आपको। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि इन दोनों फ्लावर में तो ऑलरेडी एक ही जीन्स है। अब क्योंकि एक ही जीन्स है और दोबारा से इसी का पॉलिनेशन हो गया, इसीलिए इसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं मिलता। दूसरा है गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी का मतलब है एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो जाना। जैसे कि इस प्लांट में एक फ्लावर ये है और इस प्लांट में दूसरा फ्लावर ये है, तो इसके मेल पार्ट से इसके फीमेल पार्ट में पॉलन्स का ट्रांसफर होना, यह कहलाता है गिटोनोगैमी। अब ध्यान दीजिए कि इसमें भी जेनेटिक वेरिएशंस आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि जीन्स में चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन ये पूरा प्लांट है तो एक ही, इसमें तो एक ही जीन्स है, बेशक इसके दो दो फ्लावर्स अलग हो गए हैं, इसीलिए इसमें भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलता। अब तीसरा आते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब है कि डिफरेंट प्लांट्स में पॉलिनेशन होना, यानी कि सपोज आपने एक गुड़हल का पौधा ये है, इसमें कोई एक फूल है, और एक दूसरा गुड़हल का पौधा है जिसमें एक फूल है, तो इन दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन होगा, इसे हम जीनोगैमी पॉलिनेशन कहेंगे। और इसमें जेनेटिक वेरिएशंस होंगे, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग प्लांट्स हैं, ये इनके पेरेंट्स अलग-अलग हैं, ये अलग-अलग जीन्स एक्वायर कर रखी है इन्होंने, इसीलिए इसमें जेनेटिक वेरिएशन होगा। तो आप इन तीनों को समझ गए? क्या है? सबसे पहला ऑटोगैमी, यानी कि आप इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। दूसरा है गिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी कुछ भी कह लीजिए, ये भी एक तरीके से सेल्फ ही होता है, बस एक ही प्लांट के दो अलग अलग पौधे होते हैं, और जीनोगैमी में दो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फूल होते हैं। अब आते हैं, ये तो हमने पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ पोलेंस के आधार पे पॉलिनेशन को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम आते हैं पॉलिनेशन के एजेंट्स के आधार पे पॉलिनेशन को कितने भागों में बांटा गया है। तो किसके आधार पे? इनके एजेंट्स के आधार पे। तो सबसे पहला है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब है इंसेक्ट के द्वारा किया गया पॉलिनेशन, यानी कि कोई भौरा बैठ गया, कोई मधुमक्खी बैठ गई, इन लोगों से, इन कीड़े मकोड़ों से जो पॉलिनेशन होगा उसे हम एंटोमोफिली कहेंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इन फ्लावर्स की खास बात क्या होती है? क्योंकि इनका पॉलिनेशन इंसेक्ट के कारण होता है, तो इनमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे इंसेक्ट इनके पास अट्रैक्ट हो। तो या तो इनके पास बहुत ही ब्राइट कलर्स, यानी कि बहुत ही चटक सुनहरे रंग होंगे, या तो इनमें फ्रेग्रेंस होगी, यानी कि ये खुशबूदार होंगे, ताकि
इनके पास अट्रैक्ट होके इंसेक्ट आए और इनमें नेक्टर भी होगा, नेक्टर यानी कि रस। नेक्स्ट आते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब है बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होना। आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी चिड़िया भी फूलों पे बैठ जाती है और अपने चोंच उसमें मारती रहती हैं कीड़ों को चुनने के लिए या जो भी उनका पर्पस हो। तो उससे क्या होगा, वो एक फूल में पहले अपनी चोंच मारेंगी, फिर वो दूसरे फूल में जाएंगी, वहां पे अपनी चोंच मारेंगी। तो एक फूल के पॉलन्स इसी तरीके से दूसरे फूल के पॉलन्स में चले जाएंगे। तीसरा है एनीमोफिली, यानी कि एयर के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन। आपने बहुत देखा होगा कि एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, बीच में कुछ सीड सा होता है और ऐसे 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 वाइट कलर के फेदर्स यानी कि बाल होते हैं उस पे। एक्चुअली ये एक प्लांट का सीड होता है। ये इतना हल्का होता है कि हवा में यहाँ से वहाँ उड़ता रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्योंकि इनके पॉलिनेशन का फैक्टर एयर है, यानी कि एयर के माध्यम से इनमें पॉलिनेशन होगा, तो इनके सीड्स उसी हिसाब से बहुत लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, ताकि वो आसानी से हवा में एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो ये चीज़ें हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम परिवर्तन इन प्लांट्स यानी एडेप्टेशन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जूफिली। जूफिली जो एनिमल्स के थ्रू होता है, जैसे कि कोई एक एनिमल है उसने किसी पौधे का कोई फल खा लिया, ठीक है। अब उस फल को खाने के बाद वो यहाँ से वहाँ कहीं और ट्रैवल करके, कहीं भी ट्रैवल करके चला गया और वहाँ पे उसने अपना वेस्ट डिस्पोज कर दिया। तो उसके वेस्ट में जो फ्रूट उसने खाया था उसका सीड होगा, उसके बीज से वहाँ पे एक नया प्लांट निकल जाएगा। तो इस तरीके से वो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह उसका सीड पहुँच गया। हालांकि ये जो मैंने आपको बताया ये पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं है, ये जर्मिनेशन प्रोसेस में आप कह सकते हैं, पर पॉलिनेशन के लिए भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फूलों पे बैठते हैं, फूलों को टच करते हैं और फिर उनके पॉलन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक रह गया हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब है पानी के द्वारा होने वाले, जैसे हाइड्रिला और एक और है ये वेलिस्नेरिया। पानी में ऐसे पौधे जिनका पॉलिनेशन पानी के थ्रू होता है, उनके सीड्स में भी कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, मतलब उनके पॉलन्स में भी कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। कैसे एडेप्टेशंस होते हैं, वो इजीली स्विम कर पाते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो आसानी से पानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि जितने भी प्लांट्स पानी में उगते हैं उन सभी का पॉलिनेशन हाइड्रोफिली की मदद से ही होता है, नहीं। एग्जाम्पल के लिए लोटस, इसका पॉलिनेशन भौरे की मदद से होता है, या वाटर हाइसिंथ, इसका भी पॉलिनेशन इंसेक्ट की मदद से होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमने पढ़ लिया पॉलिनेशन। अब हम आते हैं कि हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, हमने पॉलिनेशन पढ़ा, तो एक ऐसा छोटा सा टॉपिक है जो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, और ये है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में। देखिए ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, और आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या होता है। तो जैसा मैंने अभी आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाया कि एक मेल से फीमेल में जाता है और ये इस तरीके से एक ओवरी होती है, इसमें ओव्यूल्स होते हैं, और इसके नीचे मैंने बताया था आपको कि एक थैलेमस होता है जिसे कि रिसेप्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो एक मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो ओवरी में हो और उसके द्वारा जो सीड जो फ्रूट बनेगा उसे हम ट्रू फ्रूट कहेंगे, यानी कि सत्य फल। और दूसरा जिसका फर्टिलाइजेशन ओवरी में ना होके कहाँ पे हो, थैलेमस में हो, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन थैलेमस में होता है
तो उसे हम फॉल्स फ्रूट यानी कि आभासी फल कहते हैं। ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे बहुत कॉमन, जैसे मैंगो, जामुन, नींबू, ये सब। फॉल्स फ्रूट का बहुत फेमस एग्जाम्पल है एप्पल, और क्वेश्चन में ये काफ़ी पूछा जाता है कि इज एप्पल अ ट्रू फूड फ्रूट और नॉट, यानी कि ऑप्शन में फॉल्स फ्रूट में ये एप्पल रहेगा। बनाना, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी। ये देखिए, ये है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में आपको ये जो छोटे 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 दिख रहे हैं, ये इसके सीड्स हैं। तो इनके सीड्स के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे कि किसके सीड कोटेड होते हैं, यानी कि एक बक्से में बंद होते हैं, और किसके सीड बाहर होते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी के सीड बाहर होते हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है। वैसे स्ट्रॉबेरी एक फॉल्स फ्रूट है, यानी कि इसका फर्टिलाइजेशन थैलेमस में होता है। ये देखिए, ये नीचे ये जो लगा हुआ है, ये है कैश्यू यानी कि काजू। ये भी एक तरीके का फॉल्स फ्रूट है। तो ये हो गया हमारा ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में। अब एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं पार्थिनो कार्पी या पार्थिनो जेनेसिस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पार्थिनो जेनेसिस। तो पार्थिनो कैर्पी एक ऐसी टेक्निक है जो आजकल यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट हो जाता है, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं बनता। ओव्यूल्स में कोई पॉलन्स जाके अंदर ओवरी में नहीं मिलते, मतलब यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके ऐसे ओवरी में नहीं जाते, वहाँ पे ओव्यूल्स में नहीं मिलते। बिना फर्टिलाइजेशन के ही ये फ्रूट्स बन जाते हैं। ये सीडलेस फ्रूट होते हैं, और आजकल ये बहुत यूज़ की जाने वाली टेक्निक है, जैसे बनाना में या वाटरमेलन। ये देखिए, ये एक वाटरमेलन का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी बीज नहीं है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, और ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने कहा कि एक सिंगल पेरेंट की मदद से किया जाता है, तो इसीलिए इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। यानी कि नेचर में पहले से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता आया है, और कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आर्टिफिशियल टेक्निक्स इंसानों ने भी डेवलप किए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नेचुरल टेक्निक्स यानी कि नेचर ने कौन कौन सी टेक्निक बनाई है। सबसे पहला है, जैसे कुछ प्लांट्स अंडरग्राउंड या स्टेम ट्यूबर से होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने अपने घर में आलू बहुत दिनों तक रखा हो, तो उसमें छोटी छोटी आंखें निकलनी शुरू हो जाती हैं, उसे हम आई ऑफ पोटैटो कहते हैं। अगर उसको आप वहां से काट के लगा दें तो उसका एक पेड़ निकल जाएगा। ऐसे ही जिंजर यानी कि अदरक में भी होता है, तो वहां पे उसको हम राइजोम कहते हैं। दूसरा है लीव्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पत्तियों से ही ग्रो करने लगते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। ये हम आगे देखेंगे इसे। तीसरा है रूट्स। रूट्स का मतलब है कि जो जड़ से उगे, जैसे अगर आप शकरकंदी को काट दोगे, ठीक है, शकरकंदी का थोड़ा सा पोर्शन उसके मुंह से काट के और जमीन में लगा देंगे, तो वो वहां से ग्रो कर जाएगा। यानी कि हमें पता है कि शकरकंदी क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड रूट। जब हम मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये क्या है, मॉडिफाइड रूट है, ठीक है। दूसरा, डहेलिया एक तरीके का फूल है, ये भी रूट से होता है। नेक्स्ट आते हैं बल्ब। ये बहुत कॉमन है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि प्याज को अगर आप छोड़ दें कुछ दिनों तक, तो उसमें बहुत सारे स्टेम्स यानी कि उसकी पत्तियां, लीव्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। उसको भी अगर आप वहां से काट के या पूरा जमीन में लगा दोगे, तो आपको अनियन का प्लांट मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे ही ट्यूलिप फूल है ये, और ऐसे ही लहसुन, गार्लिक भी होता है। तो ये तो है नेचुरल वेजिटेशन प्रोपेगेशन के मेथड्स। अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, प्लांट्स, ये जो एनिमल्स होते हैं, उसमें तो हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन प्लांट्स में इसके लिए जो सर्वमान्य टर्म है यानी कि जो सब मानते हैं कॉमनली, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन,
यानी कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मोस्टली चार टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। पहला है कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग। ये देखिए, पहला है कटिंग, ये गन्ने में या अंगूर में किया जाता है। दूसरा है ग्राफ्टिंग, तीसरा है लेयरिंग और चौथा है टिश्यू कल्चर। अब इनको हम डिटेल में ज़रा अच्छे से समझते हैं विद हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। देखिए, ये जो मैंने आपको कहा ब्रायोफिलम, ये इसका एक लंबा सा चौड़ा सा पत्ता है, ये ब्रायोफिलम का पत्ता है। इसी पत्ते में ये किनारे से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, ये ब्रायोफिलम के पौधे हैं। ये देखिए, ये इसकी लंबी सी जड़ जा रही है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं। अगर आपने इसे ज़मीन में लगा रखा है तो कुछ बड़े होने के बाद ये अपने आप यहाँ से झड़ जाते हैं, ज़मीन में गिर जाएंगे और वहाँ से एक नया पौधा निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे रूट्स डेवलप हो रहे हैं, जिससे कि ये ज़मीन में गिरते ही अपने आप को सर्वाइव करवा लेंगे। तो ये ब्रायोफिलम है। ये क्या है? ये ब्रायोफिलम का पौधा है। नेक्स्ट जो हमने टेक्निक पढ़ी थी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, वो है कटिंग। कटिंग में क्या होगा कि आप यहाँ से एक पोर्शन को काटेंगे, जैसा इस डायग्राम में दिखा रखा है, पेरेंट प्लांट से उसको काट के किसी दूसरे सॉइल में जाके लगा देंगे और वहाँ से वो पौधा ग्रो कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल है शुगर केन। आपने देखा होगा गन्ने की खेती के बाद वो शुगर केन में से ही उसके पार्ट्स को काटते हैं और उसी को वो अपने खेतों में लगा देते हैं। इसी तरीके से ग्रेप्स भी किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है ग्राफ्टिंग। ये जो आपको नीचे वाला नीचे वाली जो पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज ग्राफ्टिंग। ठीक है, इस ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, आप किसी एक प्लांट में से इसको ऐसे टेढ़ा करके काट लेंगे और किसी दूसरे प्लांट में भी ऐसे गैप बना देंगे। ठीक है, या टेढ़ा करके ऐसे ही बना देंगे और यहाँ पे इसको ऐसे लगा देंगे, और किसी कपड़े या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल के माध्यम से इसको ऐसे बांध देंगे। और कुछ दिनों बाद क्या होगा, यहाँ से ये ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, इसमें जिस प्लांट के इस वाले पार्ट को जो आप काट के ऊपर वाले स्टेम से काट के ला रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्कियन, SCION, और इसमें जिसमें आप लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं स्टॉक। ये ग्राफ्टिंग का मेथड जनरली यूज़ किया जाता है किसी भी फ्रूट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने अगर कहीं देखा हो तो फ्रूट या फ्लावर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रोज़ प्लांट में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एक ही प्लांट में डिफरेंट कलर्स के रोज़ को उगाने के लिए। ठीक है, यानी कि आपने एक रेड रोज़ के प्लांट में ग्राफ्टिंग की और यहाँ पे लगा दिया वाइट रोज़, यहाँ पे ग्राफ्टिंग की आपने लगा दिया पिंक रोज़, यहाँ पे ग्राफ्टिंग की आपने लगा दिया येलो रोज़। तो इस मेथड को यूज़ किया जाता है। फ्रूट को भी अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कोई आम का पेड़ है तो आपने यहाँ एल्फोंजो वैरायटी लगा दी, यहाँ लंगड़ा वैरायटी लगा दी। ठीक है, तो एक ही प्लांट में डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स या फ्लावर्स लगाए जा सकते हैं, तो ये जनरली इसलिए यूज़ किया जाता है। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक पार्ट है। तीसरा है टिश्यू कल्चर। ये देखिए, टिश्यू कल्चर में ये एक पेरेंट पत्ती है, यानी कि किसी एक प्लांट से ली हुई पत्ती है। इस प्लांट के सेल्स को इसमें से निकाला जाएगा और इसको इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हर ज़रूरी न्यूट्रिएंट जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए वो मौजूद होता है। यहाँ पे हॉर्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन, प्लांट के डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स यहाँ पे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है, और इन सभी में इन टिश्यूओं को ग्रो किया जाता है। फिर ये टिश्यू धीरे धीरे छोटे छोटे पौधों में ग्रो कर जाते हैं और इन पौधों को फिर हम यहाँ पे आके
लगा देते हैं जहाँ हमें लगाना होता है। नेक्स्ट टेक्निक है लेयरिंग। लेयरिंग में एक ही प्लांट ऐसे मौजूद होता है और उसी प्लांट को, जैसे इस सपोज ये प्लांट है, इस प्लांट की एक टेक्निक को हमने यहाँ, इस प्लांट की एक टहनी को हमने यहाँ ज़मीन में लगा दिया, और कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद यहाँ पे रूट्स आ जाएंगे और ये रूट्स से फिर ये नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये लेयरिंग टेक्निक है। अब ये लेयरिंग टेक्निक दो, वैसे तो बहुत तरीके की होती हैं, पर बेसिकली दो तरीके की टेक्निक होती हैं, ठीक है। एक है माउंड लेयरिंग, MOUND, MOUND, माउंड लेयरिंग, ठीक है। माउंड लेयरिंग का एग्जाम्पल है, माउंड क्यों, क्योंकि ये ऐसे ऐसे टीले बना रहा है। इन टीलों को हम कहते हैं, जैसे आपने रेत के टीले या मिट्टी के टीले देखे होंगे, इन टीलों को हम कहते हैं माउंड्स, यानी कि हीप्स। इंग्लिश में टीलों को हीप कहते हैं या माउंड कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है माउंड लेयरिंग। नेक्स्ट है एयर लेयरिंग। तो आप इसमें देख सकते हैं एयर लेयरिंग में क्या है, ये एक बड़ा सा लंबा सा स्टेम है किसी प्लांट का, तना है। इस तने को आपने बीच में से छील दिया, यानी कि इसके आउटर लेयर को आपने हटा दिया, पील आउट कर दिया। इसे बोलते हैं पील आउट करना, यानी कि छील देना, आपने इसे छील दिया। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि आपने कोई मॉस चिपका दी इसमें, या कोई कपड़ा बांध दिया, या कोई प्लास्टिक बांध दिया, मतलब जो सूटेबल हो, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे यहाँ से जड़ निकलने लगेगी। तो फिर आप इसको यहाँ यहाँ से काट के कहीं और इसे लगा सकते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं एयर लेयरिंग, और इस टेक्निक को हम कहते हैं माउंड लेयरिंग। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? आज हमने कवर किया सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, ठीक है। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।